दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लाइट और वीज़ा के बारे में। 16 मार्च को फ्लाइट क्या चालू हो जाएगा, इसकी खबर आई है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। सऊदी गजेटी में लिखा हुआ है, सेव डेट 16 मार्च 2021। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं बता सकते हैं कि 16 मार्च को क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया है कि सेव द डेट 16 मार्च को क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज आया है 14 मार्च को और 9:40 पे, और यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज है। कोई कहने कि सर फ्लाइट चालू हो रहा है क्या, बताइए। यहाँ पे देखो, एक भाई ने पूछा कि आप ये लोगो नहीं देख रहे हो, ये लोगो जो लिखा हुआ है ये सऊदी एयरलाइंस का लोगो है और ये फ्लाइट चालू होने की खबर है। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं कि 16 मार्च को अच्छी खबर आएगी, फ्लाइट चालू हो जाएगी। देख सकते हैं जितने भी कमेंट देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि फ़्लाइट ही 16 मार्च को चालू होने वाला है, तो अच्छी खबर है। अगर 16 मार्च को फ्लाइट चालू हो जाता है तो बहुत अच्छी खबर। तो ये खबर उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो अभी तक फ्लाइट के लिए वेटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, 16 मार्च को कुछ ना कुछ अच्छा अपडेट ज़रूर आ जाए तो अच्छी बात। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब कोरोना वायरस आया तो बहुत लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने फ्लाइट पे सस्पेंड लगा दिया था। जो लोग बहुत लोग नया वीज़ा लिए थे, कोई वर्क वीज़ा लिए थे, कोई विजिट वीज़ा लिए थे, कोई फैमिली वीज़ा लिए थे, तो इसके बारे में अभी जवाजात क्या रिप्लाई दे रहा है आर्मी लोगों को, वो जो है मैं ढूंढ ढूंढ करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो में देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो उनको क्या वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, या फिर PCR टेस्ट जो होते थे वो करा के ही जा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक आदमी ने सवाल किया था, अच्छा था कि क्या कोरोना का टेस्ट जो होता है, जो भी नॉर्मल होता है, वो करा के क्या ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? तो देखिए, जवाजा तो उसको क्या पूछा है कि वो सऊदी है या फिर नॉन सऊदी है, तो वो आदमी कह रहा है कि रेसिडेंट ही है, मतलब कि सऊदी है, तो उसको कह रहा है कि वो जा सकते हैं। अगर सऊदी नागरिक है तो वो जा सकते हैं, हो सकता है अगर वो नॉन सऊदी है तो उसको वैक्सीन लगाना ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ पे नॉन सऊदी के बारे में कुछ बातचीत नहीं हुआ है तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कहीं देख नहीं रहे कि नॉन सऊदी है उसको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। बहुत लोग जा भी रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगा ले तो अच्छा है अपने लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग का वीज़ा एक्सपायर हो गया था तो क्या अभी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे एक आदमी ने सवाल किया था, इज़ देयर एनी एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपायर वीज़ा। यहाँ पे सवाल किया था कि जो वीज़ा एक्सपायर हो गया तो क्या उसको बढ़ा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, जवाजा तो उसको कह रहा है कि क्लियरफाई करिए आपका वीज़ा कौन सा है। तो देखिए, उसने कहा कि हमारा पास वर्क वीज़ा है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल वीज़ा है और ये एक्सपायर हो गया है। तो जवाजात कह रहा है कि उसको भी, तो जवाजात उसको भी यही कह रहा है कि विदेश मंत्रालय से जो है संपर्क में। यहाँ पे एक आदमी ने और सवाल किया था कि हमारे पास बच्चा है और विजिट वीज़ा लेकर के सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो क्या वो जा सकते हैं? तो यहाँ पे जवाजात उसको क्या रिप्लाई दिया है कि उसको भी यही कह रहा है कि मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर से संपर्क करिए। यहाँ पर एक आदमी ने सवाल किया था कि हमारा वीज़ा जो है 8 दिन हो गया है एक्सपायर का। मान लीजिए अभी के टाइम में बहुत लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो, क्योंकि फ़्लाइट बंद है, बहुत लोग तो अभी दुबई में फंसे हैं, कोई इंडिया में है, कोई बहरीन जा के आ रहे हैं, कोई नेपाल जा के आ रहे हैं, कोई ओमान जा कर के आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अभी दुबई में फंस चुके हैं। तो बहुत लोगों का वीज़ा तो ऐसे भी एक्सपायर ही हो रहा है, बहुत कितने दिन बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सऊदी गजेटी में लिखा गया कि 16 मार्च को हो सकता है कहीं फ़्लाइट चालू हो या फिर कुछ और अपडेट आ जाए, तो 16 मार्च को अच्छी खबर आ जाए तो अच्छी बात है। उसको जवाजात कह रहा है कि आप बढ़ा सकते हैं वीज़ा का डेट खुद से, अपने अफसर से या फिर सदात के थ्रू आप बढ़ा के सऊदी अरब आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक आदमी ने और सवाल किया था कि आई हैव अ पर्सनल विजिट वीज़ा दैट यूज टू टेल फ्रॉम द 20 कंट्री हाउ टू एक्सटेंड द वीज़ा। यहाँ पे कह रहा है कि 20 कंट्री के ऊपर जो फ्लाइट पे सस्पेंड लगा हुआ है उस कंट्री के लिए वीज़ा कब चालू होगा? तो जवाब उसको भी यही कह रहा है कि मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर से आप संपर्क करिए। यहाँ पे एक सऊदी नागरिक जवाजात से सवाल किया था और पूछा था कि 20 कंट्री के ऊपर जो फ्लाइट सस्पेंड लगा हुआ है क्या वो खुल चुका है या फिर अभी बंद ही है? तो जवाजात उसको लिंक दिया है, कह रहा है कि अभी जो तारीख डेट निकाला था, मतलब कि जिस डेट से जो फ्लाइट पे सस्पेंड लगा हुआ था, अभी बंद ही है, अभी तक फ्लाइट चालू नहीं हुआ है। समझ गए होंगे, जो लोग कोरोना का कारण या फ्लाइट के कारण या फिर जो भी कारण से आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उनके हवाले से अभी जवाजात क्या आदमी लोगों को कह रहा है, क्या रिप्लाई दे रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया जाएगा या फिर खुद बढ़ाना होगा, फ्लाइट कब तक चालू होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।